नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा टेक यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम कपर्दिका भस्म के प्रिपरेशन सीखेंगे। कपर्दिका भस्म बनाने के तीन प्रोसेस है। पहला है कपर्दिका का शोधन, दूसरा है उसको गजपुर देना, और तीसरा है कि गजपुर देने के बाद फिर उसको निकाल कर चक्रिका बनाकर फिर से एक बार गजपुर देना। इस वीडियो में हम ये तीनों भी प्रोसेस वन बाय वन सीखेंगे। तो पहला वीडियो का पार्ट है कि कपर्दिका का शोधन, तो इसे शुरू करते हैं। कपर्दिका को शुद्ध जल से धो ले, इसे प्रक्षालन कहते हैं। फिर उसके बाद धोला यंत्र में नींबू सुरस के साथ 3 घंटे कपर्दिका का स्वेदन करें। स्वेदन करने के बाद कपर्दिका को उष्ण जल से धो ले, फिर उसके बाद उसे धूप में अच्छे से सुखा ले। इस तरह आपके ये पूरी प्रोसेस होने के बाद कपर्दिका शुद्ध होती है। ये शुद्ध कपर्दिका ही भस्म बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये पहला पार्ट अपना जो कपर्दिका का शोधन है पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट जो कि है गजपुर देना। मतलब इसलिए हमें जरूरी है 2 शराब, कपर्दिका, कपड़ा, मुल्तानी मिट्टी, गौरया और गजपुर का गड्ढा। शराब संपूर्ण बनाने के लिए हम पहले 1 शराब में 2/3 तक शुद्ध कपर्दिका भरेंगे। फिर उसके बाद उसके ऊपर दूसरा शराब रखेंगे और उन दोनों पर जो जॉइंट है उसे मुल्तानी मिट्टी से बंद करेंगे। फिर मुल्तानी मिट्टी में भिगो हुए कपड़े से उसे मात कापड़ करेंगे। ध्यान रखें कि मात कापड़ करते समय हमें इसे 7 बार मात कापड़ करना है, लेकिन जो पहले बार मात कापड़ किया है उसे अच्छे से सूखने के बाद फिर दूसरा मात कापड़ करना है। इस तरह से एक के बाद एक ऐसे 7 मात कापड़ करने हैं। और पूरी तरह से 7 मात कापड़ होने के बाद अपना ये शराब संपूर्ण तैयार है, लेकिन गजपुर देने से पहले इसे अच्छे से धूप में सुखा दो, 1 या 2 दिन सुखा दो। इस तरह से ये शराब संपूर्ण गजपुर देने के लिए रेडी है। फिर हम प्रिपरेशन करेंगे गजपुर की। गजपुर की प्रिपरेशन करने के लिए हमें सबसे पहले गड्ढे में 700 गौरया नीचे डालने हैं बॉटम में, और फिर उसके ऊपर जो हमने शराब संपूर्ण बनाया है उसे रखेंगे, और फिर उसके ऊपर जो बचे हुए 300 गौरया है उसे रखेंगे। फिर ये पूरा अच्छे से सेट होने के बाद उसे ऊपर से आग लगा देंगे और इसे पूरी तरह से अच्छे से जल ले देंगे। फिर ये पूरा गजपुट स्वांगशीत मतलब ठंडा होने के बाद उसके अंदर अंदर से शराब संपूर्ण बाहर निकालेंगे और उसका माथ कापड़ कट करने के बाद उसे अंदर से ओपन करके देखेंगे। इस तरह हमारा फर्स्ट गजपुट की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अब उसके बाद सेकंड गजपुट की हम तैयारी करेंगे। सेकंड गजपुट की तैयारी करने से पहले हमें जो पहले गजपुट से निकाली हुई जो कपर्दिका है उसे अच्छे से खरल में डाल के सूक्ष्म करना है। सूक्ष्म करने के बाद उसे एलोवेरा के सोरस से भावना देनी है। भावना इतनी अच्छे से देनी है कि उसे चक्रिका अच्छे से बननी चाहिए। फिर उसके बाद हमें इसके चक्रिका बनानी है, और चक्रिका बनने के बाद उसे उस चक्रिका को धूप में शुष्क करना है। शुष्क होने के बाद उसे फिर जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में गजपुट के लिए शराब संपूर्ण बनाया था उसी तरह ये चक्रिका शराब में डालकर उसका शराब संपूर्ण बनाना है, और उसे भी 7 मात कपड़ पहले की तरह ही करने हैं। फिर उसे अच्छे से सूखने देना है, और उसके बाद इसे पहले गजपुट की तरह ही दूसरी बार भी ये गजपुट देना है। ठंडा होने के बाद उस शराब संपूर्ण को गजपुट से बाहर निकालकर उसे ओपन करके उसके अंदर के जो चक्रिका है उसे खरल में डाल के फिर से अच्छे से सूक्ष्म करना है, और इस तरह हमारा जो कपर्दिका का भस्म है वो रेडी हो चुका है। ये सब प्रोसेस है कपर्दिका भस्म बनाने के लिए। इस तरह हमने इस वीडियो में कपर्दिका भस्म की पूरी प्रोसेस डिटेल में देखी है। वीडियो आखिर तक देखने के लिए हर बार की तरह इस बार भी दिल से धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।